वेलकम बैक गाइस। यार आज हम बात करेंगे जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिएचर सीजन 2 की। तुमने कहा था तुम आओगे, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई जानी है तो मुझे उसका हिस्सा बनना होगा। I'm that dinosaur on the mission now. Brooklyn? यार ये नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज है, ठीक है। इसका एक पहला सीजन मतलब 5 सीजन थे जिसका नाम था जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिएचर, ठीक है। इसके अंदर बच्चों की आपको स्टोरी सारी कुछ दिखाई जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब उसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ना उनकी जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर ना नेटफ्लिक्स ने उसकी अलहदा से एक सीरीज निकाली जुरासिक वर्ल्ड चूज थ्यूरी। मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं ना, उसके अलहदा से उसे सीज़न निकाले, मतलब समझ इसी का बट इसी के आगे की स्टोरी है, मगर नाम थोड़ा चेंज कर दिया है इसको, अलग से मतलब अलग अलग सीज़न का नाम दे के वहीं से स्टोरी कंटिन्यू रखी है। पहला सीज़न का मैं रिव्यू कर चुका हूँ वैसे जुरासिक वर्ल्ड चूज थ्यूरी का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कैंप क्रिएचर का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ जी, क्या स्टोरी कितना माल इसका तगड़ा है, ठीक है। और जो जुरासिक वर्ल्ड ये वाला सीज़न आया 2 आया, और ये यार बहुत जल्दी सीज़न है। यहाँ तो डायनासोर है। एक ट्रैकर मतलब ब्रोकर को हमारी लोकेशन पता है, हमें नदी के ऊपर जाना होगा। अब देखो, अब बस करो केंजी। ब्रोकर सिर्फ डायनोस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें बना भी रहा है। इसी सारी वो पहला पार्ट आया, मतलब आप समझ लें 5-6 महीने के अंदर इसका अगला सीज़न भी नेटफ्लिक्स वालों ने निकाल दिया। मैं तो इस बात पर बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मुझे ये एनिमेटेड सीरीज़ बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि ना डायनासोर देखने को बहुत मिलते हैं यार, क्योंकि मुझे डायनासोर के ऊपर ये रहा सीज़न वैसे लगा भी बड़ा मज़े का था। जब हम इसका पहला पार्ट था, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अंदर दिखाए जाते हैं डायनासोर जो होते हैं आम शहर में आ जाते हैं, लोग उनका कारोबार करते हैं, और जो उनकी दोस्त होती है ब्रुकलिन वो मारी जाती है, ठीक है। हमें पहले पार्ट में इसकी यही स्टोरी दिखाई जाती है, मगर पहले पार्ट के एंड में पता चलता है कि वो लड़की ज़िंदा है। दूसरे पार्ट में यही दिखाया जाता है, हाँ जी वो लड़की ज़िंदा ही होती है। उसके जो दोस्त होते हैं ना, वो अपनी फ्रेंड को मतलब वो भी जो डायनासोर की स्मगलिंग कर रहे होते हैं ना, वो भी इस मिशन में निकल जाते हैं। और जो ब्रुकलिन होती है ना, वो मरती नहीं, मगर उसका हाथ काट। बदल गई है, डायनासोर खा जाता है। ये सारी आपने सॉरी मिस्ट्री देखनी पड़ेगी, वो उनके पास क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है, और उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सीज़न 2 में। यार बहुत मज़े की, इसके अंदर एक और बच्ची भी ऐड हो जाती है जो 14 साल की होती है। आपको ये सारी स्टोरी देखनी, नए नए एडवेंचर देखने को मिलेंगे, मगर इस सीरीज़ में आपको इतना भर भर के जो डायनासोर एक्शन नहीं देखने को मिला वैसे, ठीक है। वैसे का जो अगला सीज़न आएगा शायद उसके अंदर ज़्यादा ही मज़ा है, क्योंकि जो जो इसकी स्टोरी छोड़ी है ना अगले सीज़न पर, मुझे तो लगता है बहुत ही मज़े की होगी। आपको एनिमेटेड मूवी सीरीज़ के ऊपर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करके रख देना, क्योंकि मैं एनिमेटेड की भी अपडेट देता रहता हूँ और वेब सीरीज़ की भी, इसलिए मैं चैनल को ज्वाइन करके ज़रूर रखना।